नमस्कार, मैं सविता मेहता फ्रॉम डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल से। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लाई हूँ जिसका शीर्षक है हीरे की कीमत सिर्फ जौहरी को पता होती है। जी हाँ, मैं आपको ये स्टोरी सुनाना चाहती हूँ कि हीरे की जो पहचान होती है वो जौहरी को होती है। कई बार हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि मेरी घर में इज्जत नहीं है, वो मेरी सुनते नहीं, मेरे से झगड़ा करते रहते हैं, होता है ना ऐसा। अक्सर हम ये चीजें फील करते हैं, लेकिन आपको उससे परेशान नहीं होना, अपना मूल्यांकन नहीं करना कि आप वैसे हैं। आपको क्या करना है, आपको शांत रहना है, क्योंकि आपको ये सोचना है कि वो मेरी नहीं समझ सकता क्योंकि मेरे लेवल का नहीं है, तभी आप अपने आप को हैप्पी रख सकते हैं। अगर आप दूसरों के बारे में सोचेंगे तो परेशान रहेंगे, इसमें आपका ही नुकसान है। इसी से संबंधित मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी। एक बार रामू नाम का एक व्यक्ति, बहुत भोला भाला व्यक्ति होता है, वो गांव में रहता है, वो खेती करता है और अपना भगवान की भक्ति करता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को वो पसंद नहीं क्योंकि वो भगवान का भजन ज्यादा करता है, सबको अपनी बात से सहमत करने की कोशिश करता है। लोग उसको कहने लगे कि ये निकम्मा नकारा है, कुछ नहीं कर सकता, जब देखो बहाने करके भगवान का भजन करने बैठ जाता है। तो उसने अपने बारे में ऐसी धारणा बना ली कि मैं निकम्मा नकारा हूँ। उसने काम करना छोड़ दिया, परेशान रहने लगा, घर के लोग भी सभी परेशान हुए। एक बार क्या हुआ, उनके घर पर एक साधु महाराज आए, तो घर वालों ने सारी प्रॉब्लम साधु महाराज को बताई। साधु महाराज ने उस रामू से बात की कि रामू क्या हुआ। रामू ने सारी बात साधु महाराज को बताई। बोले, महाराज मैं किसी से भी बात करता हूँ, जब मैं भगवान का भजन करता हूँ तो सारे कहते हैं कि ये काम छोड़कर बैठ जाता है, आलसी है, निकम्मा है, काम नहीं करना चाहता। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी इस समस्या का निवारण करूंगा, लेकिन पहले मेरा एक काम करो तुम। तो बोले, भगवान मैं आपका क्या काम कर सकता हूँ। रामू बोला साधु महाराज को कि भगवान मैं आपका क्या काम कर सकता हूँ। बोले, आप कर सकते हैं, मैं आपको एक चीज देता हूँ, उसकी कीमत पता कीजिए। कोई गेस कर सकता है कि उन्होंने क्या दिया होगा। उन्होंने एक नग दिया, एक पत्थर, चमकीला रंग का पत्थर दिया और उसको बोला कि जाकर के आप इसकी कीमत पता करो, इसको बेचना मत, सिर्फ इसकी कीमत का पता करिए कि कैसे है। तो उसने कहा कि महाराज मैं किससे पता करूं। महाराज बोले कि तुम्हें जो भी दिखता जाए रास्ते में, तुम्हें लगे इससे पूछना चाहिए तो पूछ लेना। तो बोले ठीक है। अब गए तो जैसे वो गांव में रेडियो पे आपने देखा होगा चौपालों पे बेचते हैं ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेच रहे थे, वो उसके पास लेकर के गया। तो बोले, भैया ये लेना है। वो बोले, अच्छा है। तो बोले, क्या दोगे। बोले, मैं 5 रुपए दूंगा, 5 रुपए ले लेना। उसने कहा, अच्छा 5 रुपए दोगे। तो बोला, नहीं भाई मुझे बेचना नहीं है, मुझे सिर्फ इसकी कीमत जाननी थी। तो बोले ठीक है। आगे गया तो आगे उसे एक सब्जी वाला मिला, तो सब्जी वाले से पूछा उसने, भैया ये नग लोगे, ये नग की कीमत क्या दोगे आप। तो वो बोला कि मैं तो भाई तुम्हें 2 किलो प्याज और 2 किलो आलू दे सकता हूँ, तुमने लेने हैं तो बोलो, मेरे बच्चे खेल लेंगे, ये है वैसे तो मेरे किसी काम का नहीं है, पर इसकी चमक जो है बहुत अच्छी है, मेरी बिटिया खुश हो जाएगी, तो मैं इसके लिए तुम्हें 2 किलो प्याज और 2 किलो आलू दे सकता हूँ। तो उसने कहा, नहीं मुझे बेचना नहीं है, मुझे सिर्फ कीमत जाननी थी। थोड़ी आगे गया तो उसे एक पंसारी की दुकान दिखी, वो पंसारी की दुकान पे चला गया। उसने पंसारी जानते हैं बेटा, जहां से हम राशन का सामान लाते हैं, चीनी चाय पत्ती का सामान या आटा वगैरह। तो उसने जाकर के उससे पूछा कि भैया ये देखिए मुझे ये बेचना है, आप लेंगे, इसकी कीमत क्या दोगे। बोले, भाई इसकी कीमत मैं तुम्हें एक बोरी चावल या एक बोरी चीनी दे सकता हूँ, दोनों में से एक चीज दे सकता हूँ मैं तुम्हें। तो बोले, भैया मुझे बेचना नहीं है, मुझे इसकी कीमत जाननी थी। आगे गया तो थोड़ी देर पर उसको एक सुनार मिला, जिसका काम था सोने से ज्वेलरी बनाना और बेचना। अब वो गया तो उसने देखा कि बहुत अच्छा है, कीमती लग रहा है, तो उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें इसके 1 लाख रुपया दे सकता हूँ। हैरान हो गया रामू, अरे ये क्या हुआ, अभी 5 रुपए पीछे मिल रहे थे, फिर 2 किलो आलू और 2 किलो प्याज मिल रहे थे, फिर आगे आया तो बोरी चावल की या चीनी की मिल रही थी, अब ये व्यक्ति कह रहा है मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दे सकता हूँ। तो उसने कहा, नहीं भाई मुझे बेचना नहीं है, मुझे केवल इसकी कीमत जाननी थी। तो उसने वो नग लिया और आगे की ओर चल दिया। फिर वो पहुंचा शहर, चलते चलते वो शहर आ गया और सबसे बड़े जोहरी की दुकान पर पहुंचा। उसने उस जोहरी को वो नग दिया और पूछा कि पत्थर दिया और पूछा कि इसकी कीमत क्या दोगे आप। तो जोहरी ने उस नग को देखा और सबसे पहले एक लाल रंग का चमकीला वेलवेट का कपड़ा निकाला और उस नग को उस पर
रख दिया, उसकी पहचान की, जो उनके पास आपने देखा हो ग्लास होता है उसको देखा, उससे उसकी पहचान की, बोले भाई इसकी कीमत मैं नहीं लगा सकता, अगर मैं अपना सब कुछ बेच भी दूं तो मैं इसकी कीमत आपको नहीं चुका सकता, ये बहुत बेशकीमती, यानी कि जिसकी बहुत कीमत है हम कीमत नहीं लगा सकते, ये एक ऐसा नग है। तो उसने कहा कि मैं इसकी कीमत नहीं लगा सकता, तो रामू ने वो नग चुपचाप से लिया और घर वापिस आ गया और साधु महाराज को सारी बात बताई। साधु महाराज ने उसे समझाया कि अब इस कथा से, इस जो आप तुमने मुझे बातें बताई उन्हीं से अंदाजा लीजिए, जिस व्यक्ति की जितनी सोच है, जितना जिस व्यक्ति का दायरा है वो उससे ज्यादा नहीं सोच सकता, इसीलिए आपको या रामू तुम्हें किसी को भी किसी दूसरे की राय से अपना मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, हमें अपने मन की सुननी चाहिए, हमें अपनी हमेशा दूसरों की सेवा में अपना मन लगाना चाहिए, दूसरों की राय सुनकर अपना मूल्यांकन करके अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। आई बच्चों आपको कहानी समझ में, कि हमें दूसरों की राय से, अगर हमें कहता है कि आप निकम्मे हो, आप ये काम नहीं कर सकते, तो आपको ये मान करके कि उसने तो ये कहना ही कहना है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, नहीं, आपको उस व्यक्ति को गलत प्रूफ करना है। आप अपना वर्क करते रहिए ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से, कि जब तक वो व्यक्ति खुद ना कह दे कि बेटा तुम तो बहुत ही ईमानदार हो, तुम तो बहुत ही मेहनती हो, तुम बहुत ही होशियार हो, जब तक ये बात ना कह दे, तो इस बात को अपने मन से लगाकर काम करना नहीं छोड़ना, बल्कि उस व्यक्ति को गलत प्रूफ करना है। करेंगे ना? ओके, गिव मी प्रॉमिस, गुड, बाय बाय।